हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। बाबर आजम की कैप्टेंसी में अभी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ ट्राई सीरीज में पाकिस्तान जीता है। कैप्टेंसी के ऊपर विक्रांत गुप्ता क्या कहते हैं इंडियन मीडिया से, वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। कमाल की टीम है इंडिया की, हम ही कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, इंग्लैंड में था। अरे पाकिस्तान तो स्कूल की टीम है, मुंह की खानी पड़ी और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते। 19 वर्ल्ड कप में वो इंडिया से बुरी तरह हारे और पिछले साल वर्ल्ड कप में भी वो जीते। सो अगेन वहां पर भी जो लास्ट बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स के मैच हैं वो उन्होंने दो जीते हैं, हमने एक ही जीता है। तो खिलाड़ी पहले भी अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कि अगर मैच के बाद जैसे युवराज या विराट आपको शोएब मलिक के साथ दिखे थे, उससे पहले भी होता है। आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि जब आपकी टीम 2006 में वहां पर गई थी और पाकिस्तान की टीम भाई 2006 में लड़ाकी टीम थी, इससे कम नहीं थी। उनके प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने जब प्रेजेंटेशन में जाके एमएस धोनी के बारे में बोला, अच्छा एमएस धोनी को तब क्रिकेट खेलते 14 महीने हुए थे और लाहौर वाला वो गजाफी स्टेडियम का मैच आई वाज देयर, जहां पर उन्होंने ये बोला कि धोनी वी लव यू डोंट कट योर हेयर। आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बट वो थोड़ा सा ना माहौल, वो 2004 से लेके 7 तक का जो माहौल था, हम बहुत खेले एक दूसरे के अगेंस्ट और अच्छी क्रिकेट खेले, टफ क्रिकेट खेले। वो इंडिया में आके आपको वनडे सीरीज हरा कर गए थे, बैंगलोर टेस्ट मैच हरा कर गए, सीरीज बराबर करके गए, लेकिन उस टाइम पे क्रिकेट इतनी ज्यादा थी और प्लेयर इतने बड़े थे कि आपको ना क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती थी। अब क्या हुआ है कि अरसे बाद ऐसा एक बार फिर हुआ है। अभी देखिए ये तो पाकिस्तान भी इस बात को समझता है, वो नीचे लगे हुए, लेकिन अब अरसे बाद ऐसा हुआ है कि वो एक ऐसा कप्तान आया जो शायद पाकिस्तान में जिसको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो भाई उनकी उनको देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, बाहर से या तो आपको बेहतर दिखता है या बाहर से हमें पूरी तरह नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, हमें नहीं पता। लेकिन अब उनकी टीम बन रही है भाई, हारिस रऊफ आप देख रहे हैं ना, बहुत तगड़ा। आज आप शाहिद अफरीदी की बात करते हैं, शादाब गुड लेग स्पिनर। अब नवाज की मैंने भी ट्वीट किया भाई, नवाज मेक और ब्रेक प्लेयर है उनकी टीम। तो अब हम उन प्लेयरों के बारे में जानना शुरू हुए हैं, उनको देख रहे हैं, रिजवान बाबर ये प्लेयर्स कम नहीं है। लेकिन अगेन जब ये मैदान पर आएंगे, अच्छी बात क्या है कि आई थिंक दोनों टीमों ना अब दे हैव एडजस्टेड टू जो मॉडर्न डे क्रिकेट होती है। मॉडर्न डे क्रिकेट में कहां ये लड़ाई मार कुटाई है, सो वो आप यू ट्राई टू बी, मैं क्या बोलूं, मतलब आप लिबर्टी भी नहीं लेते वो लड़ने की। भाई जब आपकी ज्यादा बेहतर दोस्ती होती है ना शोएब अख्तर हरभजन सिंह की, तो मैदान पर लड़ाई हो जाती। बिल्कुल, वो तो दोस्ती ही होती थी ना, दोस्ती ही लड़ाई हो जाती। अब शायद ये एक हुआ है 2-3 साल में, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी नहीं थी, तो वहां पर शायद इतनी लड़ाइयां नहीं होती थी एक दूसरे के लिए लिंग तारीफ के। एक चीज मैंने नहीं देखी है दोनों टीमों से, किसी एक प्लेयर ने दूसरी टीम के बारे में कोई अपशब्द कहा हो। अभी भी अगर आप देखें नहीं बोलते दोनों टीमों के प्लेयर। आज बाबर का मैं आप जैसे बताया, उनका जन्मदिन भी आज बाय द वे सेलिब्रेट हुआ और जिस तरह उनके लिए केक मंगाया गया, रोहित शर्मा ने जैसे तस्वीरें आपने स्पोर्ट्स केक मंगाया नहीं या एरन फिंच को लेकर आए थे बनाकर, वही मतलब केक। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं, अच्छा लगता है देखकर सारे लोग साथ हैं। आज बाबर आजम को दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, बिल्कुल। और ये अरसे बाद ऐसा आया है जब उनके पास यूनुस खान थे, मिसबा थे, शोएब मलिक थे, मोहम्मद हफीज थे, मतलब कुछ साल पहले तक ये लास्ट उनकी शायद गोल्डन जनरेशन थी, उसके बाद एक स्लंप आया। अब फिर बाबर आजम एक निकल के आए ना कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी तूती दुनिया में बोलती है, वो रोहित शर्मा भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो विराट कोहली भी रिस्पेक्ट करते हैं, सब करते हैं भाई। अच्छा है, मुझे लगता है कि बाबर में एक चीज मैंने देखी है जो शायद रोहित ने भी आज दिखाई है। आई थिंक बोथ आर गुड एम्बेसडर्स फॉर देयर कंट्री। इवन इससे पहले विराट भी थे जब, तो वीजा भी पाकिस्तान में देखता था, तो दे ऑलवेज वर केयरफुल कि वो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो हमारी इमेज कैसी बाहर जाए, मतलब हम अपने आप को कैरी कैसे करें। तो आई थिंक उसी लिए भाई पाकिस्तान में विराट की, रोहित शर्मा की इज्जत है, इसीलिए शायद इंडिया में बाबर आजम की इज्जत है, क्योंकि ये बड़ी मैं कहता हूं सियानत वाली बातें करते हैं।
बाबर का वो ट्वीट विराट के लिए आई थिंक वो बहुत बड़ा जेस्चर था उस पर। पोस्टर्स देखते हैं सर कि हम विराट कोहली को मिस कर रहे हैं कई बार या है ना, हर साल हम यहाँ से कुछ ऐसी चीजें देखते हैं। हाँ तो वहाँ पर भी लोग प्यार तो करती है, लेकिन सर मैं आपसे ये पूछूंगी एक सवाल और आप दोनों वगैरह बताइएगा मुझे राय क्या है। कोहली के फैन बहुत तो अपनी बात मतलब कह देते हैं आपसदारी में या फ्रेंडशिप में कि जी इंडिया बहुत मजबूत टीम लग रही है और फेवरेट्स लग रहे हैं, जीत सकते हैं। वो जो करंट प्लेयर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की टीम के, उनको ये सब उनको कैसा लगता होगा कि उनके जो सीनियर्स हैं वो सामने वाली टीम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और लगता तो उनको भी होगा कि यार परफॉर्मेंस तो हम भी दे रहे हैं इधर उधर, रन्स तो हम भी बना रहे हैं, विकेट तो हम भी ले रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हमारे घर से ही अगर हमको पाकिस्तान तो प्लेयर्स कैसे लेते हैं वो वाहिद ऐसी मुल्क ऐसा होगा कि जब वो जीतते भी हैं और इन लोगों के रन भी होते हैं तो भी उनको गालियां तो खानी ही पड़ती है ना, मतलब उनको वो तो उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, आई थिंक उनके प्लेयर्स यूज्ड टू है। खैर ये उनका अपना मसला है, ये भी है ना, अगर आप बाबर से पूछेंगे, बाबर ने बोला ना आज की रोहित भाई से मैं बड़ा कुछ सीखता हूँ, विराट के बारे में इससे पहले कहते थे एम एस धोनी की कितनी इज्जत, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान काफी अच्छे बाद राशिका वो हाईवे पे आया है और इंडिया भले ही आप मतलब इंडिया पाकिस्तान पहले हाईवे राज करता था, इंडिया उनसे डरता था, फिर पिछले 20-22 साल में इंडिया उस हाईवे पे डल गया एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे प्लेयर कम होते गए पाकिस्तान हाईवे से बाईपास चला गया, अब वो हाईवे पे आए हैं, इंडिया आगे है फिर से, इंडिया के पास वो लीड है, इंडिया उस हाईवे पे बहुत आगे चल रहा है, पर पाकिस्तान ने उस सफर का आगाज किया है। और ये मुझे बाबर की जो मैं 2-3 साल से ना सिर्फ उनकी क्रिकेट की बात करता हूं या कप्तानी की बात करता हूं, जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया मैं उस लिहाज से देखूं, आई थिंक वो इस बात को समझते हैं कि ये जर्नी है। और जैसे कुछ लोग क्रेडिट करते हैं कि सौरव गांगुली जब कप्तान बने थे तो पाकिस्तान से भी आवाज आती ना, सौरव गांगुली जब कप्तान बने उन्होंने मरना सिखाया, आई थिंक अब मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में बाबर आजम वो कप्तान है, वो खिलाड़ी है, वो शख्स है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। और इस हाईवे पर पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, कब पास आएगा, अगर आगे जाएगा तो उसमें हाथ बाबर आजम का हो। और सर अभी अच्छा पाकिस्तान के साथ ये भी हुआ ना, जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट थी बीच में एकदम से खत्म होती नजर आ रही थी, एक दौर आया था, अब एटलीस्ट वहां से कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं, कुछ एक क्रिकेटिंग आइकन्स जैसे शाहीन अफरीदी एक निकल कर आए हैं, तेज गेंदबाजी में उनके इर्द गिर्द रहती है टीम, और इसके साथ ही रिजवान में क्रिकेट होनी शुरू हो गई ना, बिल्कुल वही क्रिकेट होनी शुरू हो गई। हाँ भाई वहां पर इंटरनेशनल टीमें आना शुरू हो गई, उस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो गया, पाकिस्तान सुपर लीग भी कराते हैं, ठीक है वो आईपीएल जितना बड़ा नहीं है, इस बात को वो भी समझ, न्यूजीलैंड भी आएगी। सो अगेन वो उस क्रिकेटिंग नेशन की एक जर्नी है और उस जर्नी का आगाज हुआ है। रमीज राजा साहब ने जो बात बोली, देखिए मैं फिर वही उस दिन भी मैंने बोला था, रमीज राजा उस पाकिस्तान की टीम में थे और ये हमें आई एम नॉट अशेम टू एडमिट वो नींद में भी इंडिया को वो टीम हरा जाती थी, और वो अनक उस खिलाड़ी में उस वक्त रही होगी, लेकिन वो आज बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर अगर ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया अब हम इज्जत दे रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं आप, कमिंग फ्रॉम समबड़ी जो एज खिलाड़ी इतना आगे था, आज वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ये कह दे कि भाई इंडियन क्रिकेट भी हमें इज्जत देना शुरू कर दी है, तो उस वक्त किसी ने कहा अरे देखो यार ये पीआर कर रहे हैं, गिमिक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंसान जो ये मान ले कि मैं छोटा हूं और आप बड़े हो, वो उस इंसान के लिए आसान नहीं होता ये सब कह देना, और जो आकर कह गया कि हकीकत में भाई हम पाकिस्तान आपसे पीछे थे, आज आप हमें इज्जत दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही फैक्ट्स के ऊपर बात की है, मुझे ज़्यादातर फैक्ट्स लगे इसके अंदर कि पहले जो टीम थी वो हरा जाती थी, ख्वाबों में भी सपनों में भी हरा जाती थी, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम इतनी तगड़ी थी पहले आने पुराने टाइम में, लेकिन अब जो हाल है वो डाउन हो गया था बीच में, अभी आकर जैसा कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि हाईवे पर चल रहे थे दोनों लोग, पाकिस्तान आगे थी लेकिन इंडिया जब हाईवे पर आया और कुछ सालों में पाकिस्तान कहीं और रास्ते पर मुड़ गया और उसका क्रिकेट डाउन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, ये बात सच है, हकीकत है, जब क्रिकेट डाउन हुआ फिर उसके बाद कुछ उभर कर आया, पुराने टाइम की टीम थी तो वो बहुत सही थी, तगड़ी थी, लेकिन बीच में क्रिकेट डाउन हो गया, शोएब अख्तर निकल गए, रिदी निकल गए, इनके जाने के बाद शायद क्रिकेट और ज़्यादा डाउन हो गया और फिर अब उभरा है, बाबर आजम, रिजवान
और ये जो शाहीन अफरीदी हैं, नई नई टीम जो अभी कुछ सालों से खेल रही है, अभी पिछले 4-5 सालों से, तो वो टीम को अभी फिर पटरी पर लेकर आ रहे हैं, ये बात हकीकत है। और अब इस लेवल पर आ गई है कि रमीज़ राजा खुद कहते हैं कि जहां पाकिस्तान की तारीफ नहीं होती थी, बंद हो गई थी तारीफ होना, पहले मानते थे हाँ बहुत ख़तरनाक है, लेकिन बीच में ख़त्म हो गया था वो क्रेज़ पाकिस्तान का, लेकिन अब कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट जो है पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करता है, उसको इस लेवल पर समझता है कि इज़्ज़त दी जाए उसको, और इज़्ज़त दे रहे हैं। जो भी खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, जो भी बोर्ड के जो क्रिकेट से जुड़े हुए इर्द गिर्द सारे सिलेक्टर्स वगैरह जो भी काम कर रहे हैं क्रिकेट में, खिलाड़ियों से लेकर सारे मैनेजमेंट तक, सारे लोग पाकिस्तान के क्रिकेट को इज़्ज़त दे रहे हैं, ये बोला है रमीज़ राजा ने। क्योंकि उन्होंने ये सच एडमिट किया है कि बीच का टाइम जो था, पहले और अब के बीच में जो टाइम था, वहाँ पर इज़्ज़त देना बंद हो गया था पाकिस्तान को, क्योंकि उसका क्रिकेट डाउन हो गया था। अब फिर से उभर कर आ रहा है, फिर से वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो टैलेंट पुराना निकल कर आ रहा है जो पुराने टाइम में हुआ करता था, पुराना नहीं लेकिन नए लड़कों में पुराना टैलेंट निकल कर आ रहा है, जो गायब हो गया था, कुछ धुंधला हो गया था, सो वो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये बाबर आजम की कैप्टेंसी को प्रेज कर रहे थे कि यार वो बहुत आगे लेकर जा सकता है इस टीम को, और यहाँ तक लेकर आए हैं, उनकी कैप्टेंसी में एक लेवल अप हुई है पाकिस्तान की टीम जो डाउन चल रही थी। सो सही था, फैक्ट्स के ऊपर बात थी, एंड बाबर आजम का कल बर्थडे भी था, तो उसमें सभी लोगों ने एरन फिंच केक लेकर आए थे, वहाँ पर रोहित शर्मा कॉन्फ्रेंस थी ना उसकी T20 वर्ल्ड कप की, तो सारे कैप्टेंस थे वहाँ पर, बाबर आजम ने केक काटा सारे कैप्टेंस के इर्द गिर्द, मतलब बीच में खड़े होकर जो चारों तरफ खड़े थे वहाँ पर रोहित शर्मा भी थे, तो बहुत एक फ्रेंडली सा माहौल देखने को मिला था। उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ होंगी तो वो भी मैं रिएक्ट करूंगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।